वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल कीमा अंडा ब्रेड रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून एक फ्राई पैन में ले लिया है। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्ची ली थी, जिसको भी मैंने साथ ही में चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो एक मीडियम साइज का प्याज इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। हमको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें डालना है। ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा प्याज को जो है हम सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर 250 ग्राम हम कीमा ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जो है अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ ही मैं सब ऐड कर दूंगी। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून डालूंगी, हल्दी इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, और आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जो है अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना भी हम ऐड कर देंगे, और उसको हम अच्छे से ये जो कीमे का पानी सूखने तक और ये मसाले भुनने तक हम अच्छे से इसको पका लेंगे। एटलीस्ट इसको 10 से 15 मिनट हमने अच्छे से पका लेना है। तो बस इसको भूनते ही मैं इसको 10-15 मिनट पका कर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 15 मिनट हो चुके, 15 मिनट से मैंने इसको अच्छे से कुक किया, और ये देखिए इसके अंदर अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए साइड में रख देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने अंडे जो है उसको बॉइल करके मैंने एक अंडे के 4 पीसेस कर लिए हैं, और ये कीमा जो मैंने आपको बनाकर दिखाया वो, और यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है। ब्रेड के अगर आपको चाहिए तो आप कॉर्नर इसको निकालो, नहीं चाहिए तो मत निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसको हम पानी में, ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और इसका जो एक्सेस वाटर है, मतलब पानी है, उसको निकाल देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से निकाल देंगे। अब फिर इसके बाद में इसके अंदर हम ये कीमा जो है वो डालेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत डालना वरना ये फट जाएगा। वैसे फटेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं फटना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसकी भी स्टॉल लगा देते तो हम लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए मैंने अंडा इसके ऊपर रख दिया। अब इसको हम अच्छे से रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से कवर करना है, जितना इसका एक्सेस वाटर है वो निकलते जाएगा। ये देखिए मुमरा में बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर हम लोग इसका स्टॉल लगाते थे हर रमज़ान में। खैर अब तो, जब छोटे थे तब लगाते थे, अब तो बड़े हो गए तो अब तो नहीं है खैर, लेकिन पहले मम्मी और डैडी सब मतलब लगाते थे, बड़े भाई बहन लोग लगाते थे, हम लोग देखते थे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो क्रैक दिख रही है ना, इससे कुछ भी नहीं होता है, इसको सिंपली आपने अंडे में डिप करना है और ऑयल में फ्राई करना है। तो ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, पानी में इसको पहले डिप करना है, एक्सेस वाटर इसका निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद में इसमें कीमा रखना है। इसके बाद में इसके अंदर अंडा डालना है, और इसके बाद में उसको इस तरीके से दबा लेना है, बस कवर कर लेना है इसको, सिंपल है। ये देखिए इस तरीके से इसको कर लेना है। ये देखिए, और इसको हम अंडे में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसका कोई टेंशन नहीं होता है, अगर आपको फिर भी डर लगता है तो अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम में कोट करके फिर आप इसको फ्राई कर लो। वैसे हम लोगों को आदत है तो हम लोग सिर्फ अंडे में इसको डिप करते हैं और उसको फ्राई करते हैं। मैं फ्राई करते टाइम पर भी आपको दिखाऊंगी, सेम ऐसे ही, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट डाली है। 2 अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, अंडे में इसको डिप करेंगे ये देखिए, और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये देखिए सिंपली अंडे में डिप किया, ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
ये अच्छे से फ्राई हो गए, देखिए एक भी नहीं टूटा है, तो अभी मैं इसको निकाल कर सर्व कर लेती हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।